उनको कई बार अपने हिमालय लोग जो आते हैं अमेरिका से, वो ईमेल लिखते हैं या फोन करते हैं, स्वामी वी आर कमिंग फॉर 2 वीक्स एंड दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट ए गुरु, कैन यू सजेस्ट समथिंग बेटर? तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि ऐसे करना, देयर आर मेनी मॉन्क्स, गुरु मॉन्क्स, वहाँ चले जाना और वहाँ जा करके आपको काफ़ी गुरु लोग मिले। गुरु को हम जब तक बाहर ढूंढेंगे तब तक के हम किसी भी प्रकार से अंतर्मुखी नहीं होगी, क्योंकि गुरु करता क्या है, ध्यान सुनना, गुरु शास्त्रों के सिद्धांत को बताता है और शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र हमको दृष्टि प्रदान करते हैं और जब हमारे दृष्टि में परिवर्तन आएगा तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए हमारी दृष्टि ऐसी है कि खाओ पियो मौज करो तो उस व्यक्ति का जीवन भिन्न प्रकार का होगा, और यदि हमारी दृष्टि ऐसी है कि आज तक हमने कितना खाया पिया, क्या निकला, क्या केवल हम इसलिए पैदा हो गए कि माँ बाप के कारण, क्या हम इसलिए बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में घूम रही है और इसलिए हमारी उम्र बढ़ रही है, क्या एक दिन मरना एक हमारे लिए पूरी करनी है, क्या हमारा जीवन क्या है? जिस दिन ये बात मन में सुलझ जाती है तब व्यक्ति के जीवन में इस सामान्य जीवन में रस नहीं आता। ध्यान से सुनना, सामान्य जीवन में रस न आने के दो कारण होते हैं, एक तो रोग और दूसरा स्वास्थ्य। रोग के कारण दुनिया में इंटरेस्ट नहीं आना माने डिप्रेशन में चले जाना, जो आपने डिप्रेशन में जाना है उसमें नहीं है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और डिप्रेशन में चले। और दूसरा जो है जिसने समझदारी से इस जगत के विषयों का त्याग किया ही है, त्याग हो गया है। देखो त्याग करेंगे तो त्याग का अभिमान हो जाएगा। पहले मैं बहुत सिगरेट पीता था, अब मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पहले मैं बहुत मदिरा पीता था, अब मैंने मदिरा पीना छोड़ दिया है। कॉन्फिडेंस, तो ये जो मैं है ये किसी भी प्रकार से डेवलप होने लग जाता है। अपना ये जो मैं है, ईगो है, इसकी यदि तुलना किसके साथ करनी है तो अपने घर में बैठने वाली जो मक्खियाँ होती है ना उसके साथ। ये घर की जो मक्खी है ये भगवान का प्रचार करके बैठेगी और कहीं कूड़ा पड़ा होगा तो उसमें भी जाके बैठेगी। कोई विवेक नाम की वस्तु नहीं है वस्तु। तितली जो होती है बटरफ्लाई, वो गंदगी पर जाके नहीं बैठेगी, वो फूलों पर ही जाएगी। इसी प्रकार से हमारा ये जो मैं है प्राप्ति के कारण भी बढ़ता है और ज्ञान के कारण भी बढ़ता है। देखो तो गुरु के संपर्क में आकर के होना क्या है, अपनी दृष्टि में परिवर्तन आना है। कौन सी दृष्टि है? अब हमारी दृष्टि है ईगो की, मैं। अब इस दृष्टि से हटकर के ये दुनिया भगवान को कैसे दिखती है, वैसा यदि हम भगवान की दुनिया को देखने लगे तो हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। देखो कैसे होता है, एक बालक है और उस बालक को दो लेडीज देख रही है, एक उस बालक की माँ है और दूसरी एक सामान्य स्त्री है, और वो बालक खूब कूद और हमला कर रहा है उधर में, तो उसको देख करके जो दूसरी स्त्री होगी वो कमेंट करेगी, देखो बच्चे को गड़बड़ नहीं मिल रहा कैसे माँ बाप
परिवर्तन लाने की प्रक्रिया का प्रारंभ करना है। और यदि आपको अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है तो केवल एक मात्र मार्ग है, दूसरा नहीं।
तो ये इस योग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का जो भी निमित्त होवे वो निमित्त हमारे गुरु महाराज है। इसलिए मैं आपको पहले दिन भी बताया, 10 बार बताएंगे, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। अच्छा गुरु ढूंढने के स्थान पर अच्छे शिष्य बनो। एक अच्छे महात्मा हो गए, जवान थे 27-28 साल के, और एक मैगजीन चलता है पांचजन्य, आपने नाम सुना होगा, उसके वो एडिटर थे, यंग आदमी अनमैरिड। एक बार वो नर्मदा की प्रदक्षिणा करने के लिए बिल्कुल एक गमछा लपेट लिया, एक गमछा कंधे पर, बाकी कुछ नंगे गए। तो जहां से जा रहे थे उस स्थान पर हम गए थे, वहां के महात्मा को बता रहे थे, जा रहे थे तो देखा दूर से ये बाबा जी बैठे हैं, उनका क्या आनंद होता है, क्योंकि वो वेदांत पढ़े हुए थे, वेदांत सब बातें पढ़ पढ़ करके, कोई पढ़ पढ़ के आदमी बेवकूफ बनता है, और फिर उस ज्ञान को लेकर के अपने अहंकार के साथ प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और ये बाबा जी दूसरे बाबा जी को बैठे थे, तो ये जा रहा है ऐसे अटक के जा रहा है, ये वापस मेरे ही पास आएगा, जिंदगी में यही रहेगा। फिर ये गए वहां, फिर उनके दिमाग में क्या आया, इनके पास वापस आया, आने के बाद कहते ये महात्मा जी मुझे महात्मा बनना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा महात्मा तो बहुत बनते हैं, आदमी बनो, जो महात्मा बनते हैं वो बनावटी होते हैं, और जो महात्मा होते हैं वो बनने का प्रयत्न नहीं। ये दृष्टि जो हमको प्रदान करता है, वो जो घटना है, वो जो प्रसंग है, वो जो अनुभव है, वो हमारा गुरु है। तो कल जैसे मैंने आपको बताया हमारे कुंडली सब चक्र कुंड है, और कुंडली जागृत हो गई, तीन गुरु महाराज बन गए, तो आगे क्या करूँ, तो आपको मार्ग दिया है, आप बताओ आगे क्या करूँ। वैसे आप ये नहीं होगा, इसलिए गुरु तत्व को पहचानने के लिए बाहर ढूंढने की प्रक्रिया बंद करिए। नंबर 2, गुरु को व्यक्ति में न बांधे, हमको सबसे सीखना है। हम सभी महात्माओं के पास जा रहे हैं, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, तो जब हम जाते हैं, एक बार की बात है, दिल्ली की बात है, एक लड़का जवानी था, 26 साल का, 70 में आ रहा था, और उसने कहा कि स्वामी जी मैं शादी करने जा रहा हूँ, और ये लड़की है, फोटो दिखाया, इसके साथ शादी करूँगा, मैं तुम्हारे इससे शादी हो जाएगी, आप करो। और वो लड़की सत्य सही बाबा की भगत, और उससे भी जाकर के पहले 3-4 फोटो दिखाए बाबा शादी में, जिसके अंदर उन्होंने देखा था कभी, जब तक वो नहीं छुए तब तक बिल्कुल नहीं शादी नहीं करूँगी। अब एक और ट्राय इसका फोटो लेके लिए बैठे ग्राउंड में, फोटो हाथ में, तो वहाँ से आए महात्मा जी, वहाँ लगाया करो शादी, तो दोनों साइड से उनको हाँ मिल गई, शादी हो गई। तो उसने बताया उसको लड़की को, देखो तो हमारे स्वामी ने भी कहा था किसी के साथ शादी होगी, और बाबा ने भी कहा कि इसके साथ शादी करो, तो हमको आशीर्वाद है। अच्छा उसके पश्चात वो आ गए, फिर वो लड़की लड़का मुझे मिलने आया शादी के बाद, तो उस लड़की ने मुझे उनका
बच्चे नहीं देना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे इसको पढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया मैं बच्चे पढ़ा के और वो आकर के वो फोटो हमारे पूजा में बैठ गए। जैसे ही वो हमारे पूजा में बैठ गया, दुनिया के लोग तो बहुत प्रकार के होते हैं, क्या अपने गुरु में कमी है कि दूसरे गुरु की फोटो रखो? अरे राम राम राम, कहना बहुत आसान है, ईशावास देखो, लेकिन गुरु तो अपना एक इच्छा है और जो गुरुओं की गुरु है भगवान दत्तात्रेय है, वो कहते हैं गुरु ही व्यक्ति नहीं होती, गुरु ये तत्व है, सिद्धांत है, इसको जीवन में उठाना है। देखो इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ करके अपने आप को बांध के मत रखना, ऐसी दृष्टि खुली रखना कि जहां से हमको सीखने को मिले वहां चले जाओ, सीखो और अपने दृष्टि में परिवर्तन ले आओ। यही बात इस आख्यान में चल रही है। तो हमारे दत्तात्रेय भगवान ने हमको बताया कि हमने पृथ्वी से क्या सीखा, क्षमा और टॉलरेंस, प्रतीक्षा। उसके बाद वायु से क्या सीखा, वायु को तो सभी जगह जाना पड़ता है, सबके साथ रहना पड़ता है, लेकिन किसी को चिपकता नहीं। उसी प्रकार से यही वायु जब हमारे देह में प्रवेश करता है तो भूख प्यास ये दो कार्य करता है, लेकिन वहां भी खाने को जो मिले भूख शांत तो होनी चाहिए, यही सिद्धांत है। देखो एक बात जब समझ में आया कि तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई, खाना खाते समय कम से कम व्यंजन हो गए ना तो खाने में मजा आता है। 25 चीजें बना के रखते हैं खाने वाला कंफ्यूजन, उसको एक बढ़िया दाल हो, एक रोटी हो और थोड़ा सा अचार हो, बस देखो कितना मजा है। लेकिन हम इतना बना के रखेंगे और हम हिंदुस्तान के लोग और इन्होंने इतना बनाया है तो ना देखे जाए फिर हर एक को जितना एक खा सकते हैं उतना हर एक को देंगे और फिर बैठ गए और फिर भैंस के लिए से पूरा केवल क्षुधा शांति मात्र धन्य था कि जने बसे रहे खाने में खाए। तो प्राणवायु से हमने ये सीखना है। उसके पश्चात आता है आकाश। आकाश से क्या सीखा भगवान दत्तात्रेय ने, आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं। हम कैसे प्रभावित होते हैं, हमने किसी का भला किया तो 50 बार जगाते हैं। एक उदाहरण आपको इसके बारे में, यूएसए की बात है, एक दक्षिणी कपल था, दोनों डॉक्टर, वो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप हिस्ट्री दी ताकि वो अपने भाई को अमेरिका बुला सके, स्पॉन्सर कर सके। स्पॉन्सर किया, वो भाई आ गया, उसके वहाँ पढ़ाई करी, फुल ग्रेजुएशन किया, उसकी शादी हो गई। वहाँ शादी होने के बाद ये भाई और बहन, भाई बहन किया जाना बंद कर दिया, तो बहन परेशान, तो मुझे बता रहे थे भाभी मैंने उसके लिए ये किया वो किया ऐसा किया, मेरे ही कारण वो यहाँ है और मेरे ही उसकी शादी करा दी, ये मैंने किया वो मैंने किया और वो अब मेरे से बात नहीं करता, कितना दूर तक न हो गया। तो लड़की के मैं से बात करूँगा, जब मैंने उससे बात करी इतना बढ़िया लड़का, खुले दिल का, उसमें कोई भी खोट नहीं। फिर मैंने उसको बताया उसके बहन को, हमने कहा देखो तुमने उसका भला किया जरूर है लेकिन हजार बार बोला होगा उसको, तुम मेरे कारण यहाँ आए हो, मैंने तुम्हारी किस घर में तुमको पढ़ाया, मैंने तुम्हारी शादी कराई, ये जो जगाते हैं ना ये सबसे महापाप है, दुनिया का भला करो बढ़िया बात है लेकिन जगाता मत। देखो आकाश सबको आधार
लेकिन कहता कभी नहीं, बाबर का भाई तुम मेरे कारण घूम रहे हो। हाँ, तो असली आधार वो होता है जो आधार देने के बाद भी अपने मैं को जाना तो आकाश से हमने ये बात सीखी हुई है। उसके बाद जल आता है, तो जल कैसा है, कैसे भी थके हो आदमी एक गिलास ठंडा बढ़िया पानी मिले तो मन प्रसन्न हो जाता है। जल को जीवन कहते हैं, जिसके कारण जीवन संभव है। इसी प्रकार से हमारा जीवन इतना माधुर्यपूर्ण हो गए कि जो भी हमारे पास आए हमसे दो शब्द बात करे उसके मन को ठंडक का अनुभव आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भक्त के लक्षणों में ये लक्षण होते यस्मान द्विजगे लोका लोकान द्विजगे चाह हर्षा हर्ष भयो गई मुक्ता ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कौन सा यस्मान द्विजगे लोका जिसके कारण दुनिया परेशान नहीं होती, और जो दूसरों के कारण परेशान नहीं होता। देखो हम लोगों का प्यार कैसा है, हमारा प्यार होता है अपने आप को अन्य पर लादना, उसको प्यार कहते हैं। पर अपना मर रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं, अपना प्यार हो रहा है। एक बार हमने आपको बताया था, मुंबई की बात है, सुबह से 1 बजे तक के हम 5 बार खाना खा चुके थे, और जब जा रहे थे किसी से उन्होंने बताया हम 2 मिनट के लिए आएंगे खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन मान्य थोड़ी है इतना सारा बना के मेरे दूर से मेरा ठीक है भैया क्या है अच्छा मैं चलता हूँ। बोले नहीं नहीं जी थोड़ा कुछ खा के जाओ। मैंने कहा मैं उनको कहा खाने नहीं पाऊँगा, नहीं आपने कहा खा लेके थोड़ा खा के जाओ। हमने कहा मैं खाऊँगा तो भरूंगा। बोले कोई बात नहीं, ये इनका प्यार होता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं महात्माओं के साथ संपर्क रखने वाले, एक होते हैं शिष्य और दूसरे होते हैं भक्त। जो शिष्य होते हैं वो अपने में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में लगे हैं, जो भक्त होते हैं वो गुरु को साधना करा रहे हैं। भक्त माने क्या, अपनी मनमाना बसे हैं, लेकिन हम मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे लिए आपको जीवन कैसा शांत प्रसन्न हो, किसी पर भी अपने आप को लादे नहीं। तो जैसे पानी है स्वच्छ प्रकृतः स्निग्धः, स्वभाव से ही पानी साफ सुथरा स्निग्ध एकदम ठंडक देने वाला और माधुर्य तीर्थ और मिठाई का तीर्थ के जैसा है, उसी प्रकार से हमारे स्पर्श से हमारे वाणी से हमारे संपर्क से हमारे कंपनी से अन्य को जब आनंद का अनुभव होता है तब क्या करके हम आध्यात्मिक साधना करते हैं। ये और में कैसे होता है, जैसे छोटी सी लड़की अभी हमारे नीरज की लड़की पिछले बार जब मैं आया और अभी समय देखा उसमें इतना परिवर्तन आ गया, उसमें जो परिवर्तन आया उस लड़की को समझ में नहीं आएगा, ये किसी अन्य को समझ में आएगा। इसी प्रकार से अपने में जो आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है वो अपने को ही समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। आजकल भौजी गुस्सा नहीं कर रहे, आजकल भौजी जो है ना बड़े शांत कर रहे हैं। माने हमने जब इस प्रकार से बिना प्रयत्न का परिवर्तन आना शुरू हो गया तब समझ लेना गुरु की कृपा हो गई। इसीलिए जैसे जल से हम सीख सकते हैं स्वच्छता सरलता स्निग्धता ठंडक, उसी प्रकार से अग्नि से क्या सीखा उन्होंने,
अग्नि किसी भी वस्तु को जला करके राख कर देता है, उसके लिए अच्छा बुरा ये भाव नहीं होता। मुर्दा डालो तो चिता उसको जला देती है, खाना डालो तो जठरा भी उसको पचा देती है, और यज्ञ के लिए करो तो गाढ़ा करके अग्नि उस यज्ञ में आहुति स्वीकार कर लेती है। तो अग्नि के लिए सब कुछ समान है, ऐसा नहीं कि ये अपना ये बनाया। इसी प्रकार से अग्नि सब भेदों को मिटा करके केवल एक रूप में रहता है, यही नचिकेत का चरित्र है। जो भेद दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं, जो भेद दृष्टि का समर्थन करते हैं, वो अध्यात्म के मार्ग को नहीं चलते हैं। अभी हम आ रहे थे लोनावला से, तो एक हमारे मुझे कहा कि स्वामी जी यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं आपको कैसे पता चला? बोले मेरे पिताजी की तिथि थी तो मैंने यही सबको खाना खाने के लिए बुलाया, और बड़ा अच्छा खाना देते, साफ सुथरा है। पहले देवी को भोग लगता है, बहुत बड़ा देवी का मंदिर है, पहले भोग लगता है फिर वही सबको प्रसाद के रूप में देते हैं, मैंने उनको पेमेंट कर रहा है। लेकिन एक समस्या आ गई। मैं क्या समस्या आ गई? समस्या ये आ गई, हमारी कमु जो है वो है पुष्टि मार्गी। पुष्टि मार्गी जो भगवान कृष्ण के भगत होते हैं, पुष्टि मार्गी उनके नियमों के अनुसार केवल श्री नाथ जी का छोड़ करके किसी का भी प्रसाद खाना पाप है। अब ये भाव आप कह रहे थे स्वामी जी, मैंने 50-100 लोगों का सब बनाया और सब लोगों ने खाया, और जो सबसे वयस्क थे, जो सबसे महत्व के थे, उन्होंने ही नहीं खाया। ये दिल्ली का प्रसाद है, हम लोग कृष्ण के भगत है, हम नहीं खा सकते। अपना इसीलिए ये बात अपने दिमाग से रखना, हमको एक ही तत्व को पहचान। कैसी क्रांति आती है भेद की, अग्नि की दृष्टि माने भेद को मिटा देना। एक यूपी की लड़की गुजरात में शादी करके गई, गुजरात माने जैसलमेर देश से, और यूपी माने जैसलमेर, और वहां से जब गई वो वहां, तो वहां तो जैसलमेर को नहीं कहते, जैसलमेर कहते हैं। अब ये भी चाहे परेशान मुझे बिल्कुल स्वामी जी, मेरे सामने बड़ी समस्या है। हमने कहा देखो शादी का नाम ही समस्या है, क्योंकि जो अंग्रेजी में स्पेलिंग है ना, मैरिज और मिराज जैसलमेर। समस्या ये है कि हमारे घर में अन्य कृष्ण का रखा हुआ है फोटो, मूर्ति, पूजा, मंदिर, और मैं जब जाती हूँ भगवान के सामने तो मेरे मुख से जय श्री कृष्ण निकलता ही नहीं, जय श्री राम निकलता है। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, क्या करूँ? तो मैंने उसको कहा तुम मीराबाई से ज्यादा भगत हो गया कृष्ण के, नहीं तुम शबरी से ज्यादा भगत हो गया राम की, नहीं। आप देखो मीराबाई क्या भजन सुनो, मीराबाई क्या कहती है, पायो थी मैंने राम रत्न धन, कृष्ण रत्न धन पायो नहीं था, वो एक लाडी कुमारी राम राम की, जिसके हृदय में राम रस प्रकट हो गया वही जीवन को सफल बनाता है। अब ये तो भगत थी कृष्ण की, तो इन्होंने राम का नाम क्यों लिया? ये जो भेद दृष्टि है ना, इसी भेद दृष्टि के कारण हम अपने आप में कन्फ्यूजन निर्माण करते हैं। देखो तो अग्नि से हमको क्या सीखना है, यही सीखना है सभी भेद को जो जला सकता है उसी को योग्य दृष्टि प्राप्त हो। तत्व में भेद नहीं होता। देखो जैसे भूख, भूख एक तत्व है तो भूख सबके लिए सामान्य है। ऐसे नहीं कि गरीब आदमी की भूख डिफरेंट क्वालिटी की होती है और
डिफरेंट क्वालिटी की, सबकी भूख एक जैसी है, सबकी प्यास एक जैसी है, सबका गुस्सा एक जैसा है, सबका प्रेम एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है। देखो जैसे इतने बल्ब है, सब में प्रकाश एक ही है, इसी प्रकार से सभी जगत में, सभी प्राणियों में जो जीवन है वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। देखो महाराज, माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वैसा ही प्रेम एक बंदर या अपने बालक के प्रति करते कोई बात नहीं है। ये जो होते हैं पक्षी अपने चूजों के प्रति कितना प्रेम करते हैं, मछलियां आपने देखा होगा एनिमल प्लैनेट में, ये बड़ी मछली होती है और उसके छोटे छोटे जो मछलियाँ है ये भी उसके साथ साथ घूमती है, जैसे कहीं डेंजर नजर आया तो मछली अपना मुंह खोल देती है और सभी के सभी छोटी मछलियाँ उसके मुंह में चली गई और वो बंद करके रख देती है, और जैसा वो डेंजर नजर आया फिर निकाल दिया। अब उसको इतनी सारी मछलियों को अंदर लेने में भी क्या नहीं करता, लेकिन वहां जो प्रेम है अपने आपत्य के प्रति ये सब में सामान्य है। जब हमारी दृष्टि इस प्रकार से भेद में भी एक अभेद तत्व है पहचान सकती है, तब समझ लेना अग्नि हमारे गुरु है और वही अपने जीवन में हमको उतार। भगवान श्री कृष्ण योगी का जीवन सर्वश्रेष्ठ योगी को उन्हें यही बता रहे हैं, जो जगत के साथ वैसा ही विवाह करता है जैसा चाहता है उसके साथ जगत विवाह करे। जैसे हमारे जीवन में कोई अच्छी घटना होती है तो हम चाहते हैं हमारे घर के या जीवन की अच्छी घटना में सभी लोग पार्टिसिपेट करें और खुश हो जाए, और यदि कोई बुरी घटना होती है दुख की घटना होती है तो हम चाहते हैं कि लोग आकर के हमको तसल्ली दे और सांत्वना दे, हमके हमारे कष्ट दूर करें। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सबकी खुशी में खुश है और किसी के भी दुख के निवारण के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसी में योग को समझा है। उसके लिए अपना तेरा नहीं है, इसी तो कहते हैं कि मैं और मोर दौरत है माया, माया का तात्पर्य यही है भेद दृष्टि का प्रतिपादन करने को माया कहते हैं, और इन भेद दृष्टि का निवारण करना ये अग्नि से शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। इसके पश्चात आगे जाकर के उन्होंने चंद्रमा से बात की, हम आपको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि ये बहुत आसान होता है कि एक गुरु महाराज की फोटो लगा दी और वहाँ से जो करता 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 ये बहुत आसान है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते फिर आप वो सब करो आवश्यकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उससे भी आगे हमको सब में प्रभु का दर्शन करना है और इसके लिए इस पर चिंतन करते रहे। अब चंद्रमा से मैंने क्या सीखा, तो जैसे चंद्रमा की अनेक कलाएं प्रतीत होती है 16 कलाएं, लेकिन चंद्रमा इन 16 कलाओं के परे है, तो ये 16 कलाएं औपाधिक है, उपाधि के कारण दिखती है होती नहीं। देखो जब ये मां समझ में आ जाती है उपाधि के माध्यम से जो ग्रहण होता है वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। पहले बताया था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से ग्रहण होने वाला जो ज्ञान है वो सत्य नहीं होगा, जिस ज्ञान के उपलब्धि में किसी भी प्रकार के इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं चलता वही ज्ञान सत्य है। देखो हमको अन्य को जानने के लिए इंद्रिय मन बुद्धि की आवश्यकता, अपने होने को मैं हूं तो अपने होने को जानने के लिए
ना तो इंद्रियों की आवश्यकता है, ना तो मन की आवश्यकता है, ना तो बुद्धि की आवश्यकता है, यही सत्य है। इसलिए यहां कहते हैं कि एक ही चंद्रमा उपाधियों के कारण अनेक सा भासता है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जो अपना स्वरूप है, वो छोटे बालक की उपाधि को धारण कर लिया तो हम बच्चे हैं, टीनेज की उपाधि को धारण कर लिया तो हम टीनेजर है, मिडिल एज की उपाधि को धारण कर लिया तो हम मिडिल एज है, बुढ़ाओं को उपाधि को धारण कर लिया तो हम बूढ़े बन गए। लेकिन ये सब की सब कलाएं देह की है, देही ही नहीं। इस पर नित्य निरंतर चिंतन चलता है। एक बार हम आपको एक अपना अनुभव सुनाते हैं और आनंद आया। इंग्लैंड की बात है, हम जिनके यहाँ रहते हैं अंग्रेज हैं, दोनों पति पत्नी सब बच्चे पीछे बड़े होके चले गए, दादा नाना ऐसे थे। उनके यहाँ जाते हैं, उनके पति को हम जेन मास्टर कहते हैं, मस्त है, किसी से सेना नहीं, जाना नहीं, बोलना नहीं, अपने में मस्त रहे। और पत्नी अपने काम में रहती है, और जब हम जाते हैं तो हमारे लिए वो खाना बनाते हैं जैन मास्टर। तो उनकी पत्नी कहते स्वामी जी, मेरी जिंदगी में मैं पहली बार देखकर आपसे कर रही हूँ, इन्होंने किसी के लिए कुछ किया, इन्होंने अपने बच्चों को भी कभी उठा के प्यार नहीं, ये एकदम विरक्त जैसे। आपने मुझे भेजना चुका ही कहा कि जब आपके आने की डेट उनको पता चल जाती है तो इनमें कुछ ऐसा संचार हो जाता है। फिर उन्होंने पुस्तकें खरीदी है, इंडियन वेजिटेरियन फूड्स, और फिर उसकी पढ़ाई करते हैं, फिर शॉपिंग करके सब सामान ले आते हैं और सब एक्सपेरिमेंट मेरे करो। तो एक बार मैं उनके घर में था, बहुत पुराना मकान, 300-400 साल पुराना, जैसे अपने गोवा के मकान है, बिल्कुल पुराना ऐसा पूरा आवाज करता है, जो लकड़ी का बना हुआ। तो एक बार मैं अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था, शाम को होकर बैठा था, कितने भी जो अम्मा आई मुझे बुला रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब आई कब चली गई, हो सकता मैं सो गया हूँ। उसके पश्चात जब मैं नीचे गया तो कहती है, स्वामी जी माफ करना, आप मेडिटेशन कर रहे थे, मैंने आके आपको डिस्टर्ब किया। हमने कहा अम्मा मुझे तुम गाली दो, लेकिन ये मत कहना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कभी नहीं करता। फिर हमने कहा मैं कन्हैया की गोद ले बैठा, जब मैंने ऐसा कहा कि मैं कन्हैया की गोद में बैठा था तो मेरी बंदी बोर्ड 60 एकदम आपको सिर से पानी आने लग गया, आके ऐसी चिटकी उन्हें सोनी थी। आप इतने आसानी से कह सकते हो भगवान की गोद में बैठे हो, हमको डर होता है कि गलत तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन करते नहीं, इसका कारण क्या है? हमने कहा देखो जो भी करोगे वहां मैं कहूंगा, भगवान के गोद में बैठो तो मैं गायब हो जाता है। देखो नहीं तो होलिया जाएगा वो डील आई गेट इन द मॉर्निंग एंड डू मेडिटेशन लॉन्ग लॉन्ग टाइम 3 सेकंड 4 सेकंड टू गो टू स्लीप। इस मैं से आपको छुटकारा पा रहा है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जितनी कलाएं हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैं धर्मात्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये सब कलाओं को आधार देने वाला जो एक तत्व है वो ना तो ज्ञानी है ना तो अज्ञानी है, ना तो पुण्यवान है ना तो पापी है, ना तो जवान है ना तो बूढ़ा है। इधर हमको ध्यान देना है।
तब जाकर के हमने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण करी है और यह जो सत्रहवा रूप है ये अपना स्वरूप है। ये आगे कल के कहते हैं कि बुद्ध देश लेकिन नहीं है प्रवेश, तो इस पर चिंता करो। तो कई लोग पूछते हैं स्वामी जी आप तो चिंतन किसको कहते हैं? एक ने पूछा था जय स्वामी जी आपको कहते हैं आत्म चिंतन करो, माने क्या? माने अनात्म चिंतन का अभाव और अनात्म वस्तु में अपने को ढूंढने का प्रयत्न। उदाहरण में ये दिया है, एक बार मुखी मठ है केदारनाथ के नीचे 5-7 हजार फीट ऊंचाई पर, वहां हमारा कैंप था। पूर्णमासी की रात्रि थी, हमारा शाम का लेक्चर विक्चर हो गया और हम हाथ में गरम गरम चाय दी हमारी ब्लैक टी और पकड़ करके जा रहे थे रास्ते पर 2-4 लोगों के साथ, और उसमें हम देख रहे थे कि चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा सुंदर दिख रहा था। हमें कहा देखो कितना बढ़िया प्रतिबिंब है चंद्रमा का, ऐसे लगता है दूध के ऊपर में मलाई आ रही हो। तो जैसे मलाई खाते हैं ना लस्सी के ऊपर की दूध की मलाई, आपको लस्सी के ऊपर की दूध की मलाई खानी है ना, तो हमारे वाराणसी में आ जाओ, बनारस में BHU के बाहर में कोने में जो एक लस्सी वाला है वहाँ जाके हर साल रोज लस्सी खाता। तो वैसे उस लस्सी के ऊपर का जो मलाई है वैसे वो चंद्रमा पूरे गिलास में था। तुमने देखो यार कितना बढ़िया है, अब मैं जरा चंद्रमा के टेस्ट लेता हूँ। और ऐसे जब बोल के मैं चले रहा था तो नीचे में पत्थर उधर था, मेरा पैर टकराया, हाथ से गिलास गिर गया और चाय खत्म। हमने कहा यार स्वामी जी हम दूसरा चाय ले, दूसरी चाय नहीं वो चंद्रमा कहाँ गया उसको ले आओ। ध्यान से सुनना, जब पानी सूख जा रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है क्या? वो प्रतीति है, वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसमें का लाइट कहाँ जाता है? इसी प्रकार से जब देह नष्ट हो जाता है तो जीव कहाँ जाएगा? देखो संतो, जीव यह व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। लेकिन हमको ठोक ठोक के बता दिया है तुम्हारे जीवन के दुख का कारण जो है ना तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पर हम जीव है, अरे वो जीव का जरा डिटेक्शन करो, वो नहीं जीव। देखो जहां आपने ही प्रक्रिया शुरू कर दी, समझ लेना गुरु महाराज आपके जीवन का आखिरी टच देने के लिए आ गए। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है, दान करो धर्म करो पाप करो पुण्य करो स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, ये सब कहानियां हमको अंतर्मुखी बनाने के लिए है, इसमें तथ्य कुछ नहीं है। तो हमने चंद्रमा से यही सूर्य से यही बात सीखी कि एक ही सूर्य अनेक पानी के बर्तनों में मानव प्रवेश करके मानव अनेक साफ हो जाता है, लेकिन अनेक उपाधियों के कारण अनेक सा प्रतीक होते हुए भी सूर्य एक ही रहता है, अनेक नहीं होते। इसी प्रकार से अब इसको अप्लाई करो, अनेक इंद्रिय होने के बावजूद भी मन एक ही होता है, मन अनेक नहीं होते।
तो जैसे मन को अपने आंखों की उपाधि लगा दी तो दृष्टि निकली, जैसे बिजली को आपने बल्ब लगा दिया तो प्रकाश निकला, फिर हमने मन को कान लगा दिए तो श्रवण शक्ति प्रकट हो गई, जैसे बिजली को फैन लगा दो तो वहां गति प्रकट होती है। देखो मन को हमने वाणी का इंद्र लगा दिया तो वहां से वाणी प्रकट हो गई, इसी प्रकार से बिजली को आपने अंजलि फैन लगा दिया तो आवाज प्रकट हो गई। तो क्या बिजली अनेक प्रकार की है? क्या अनेक मन है? इस पर चिंतन करो संतों, अन्यथा इसी में फंसे रहो। अब आखिरी बात, एक ही चिंतन सत्ता किसी भी उपाधि से प्रकट जब होती है मन के रूप में, तब वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है। और यदि उस देह की ये क्षमता नहीं रही कि चैतन्य को मन के रूप में प्रकट करना, तो उस देह को हम कहेंगे इन्फ्यूज देह है, मरा है। जैसे किसी बल्ब में बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता खत्म हो गई तो हम कहेंगे ये फ्यूज बल्ब है, ये मरा हुआ बल्ब है। इसी प्रकार से यह जो चेतन सत्ता है यही अपना स्वरूप है और वो एकमात्र है, अनेक इस एक के प्रति जैसे हम समर्पित हो जाते हैं, तब इस मंत्र का अर्थ अनुभूत होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस मंत्र का अर्थ तब हृदय था, इतने बहिर्मुखी हो जाते हैं। बहिर्मुखी होना ये गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, गुरु हमको अंतर्मुखी बना करके अपने स्वरूप में ले जाते हैं। यहां तक कितने सात गुरुओं की कहानी भगवान दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को बताई। अब उसके बाद एक अगली कहानी बता रहे हैं, कपो कहा कश्चनारण्य कुछ घेरो वनस्पतो कपो क्या भारेरा साधु कुआ कथित समा कपो तो स्नेह गुणता हृदय गुहधर्म दृष्टि विद्यानुपमेन बुद्धि बुद्धिया भवंत शय्यासन अटन स्थान क्रीड़ा वार्ता क्रीड़ा समानिकम मिथुनी भूय निस्तब्धौ कबूतर कबूतर आगे दोनों अपने साथ
बाद दोनों भी अपने उस नींद में माने अपने उस घोंसले में बहुत प्यार से अंडे का देखभाल कर रहे हैं। और योग के दिन आया, अंडे टूटे, उसमें से छोटे छोटे चूजे बाहर आ गए। उनके पंख इतने कोमल थे और वो कोमल पंख जब ये गहुदर गहुदरानी इनके देह को स्पर्श करते थे तो उनको लगता था आ ब्रह्मा तुम्हें यदि हुई है नहीं है, देखो इतना प्यारा है मेरा बेटा, इतनी प्यारी है मेरी बेटी, यही कुछ संसार उनका हो गया। एक बार की बात है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर के यहाँ गया पंजाबी थे और बाहर के एक कमरे में मैं बैठे थे, उनका सामने बैठे, जब मैं बड़े इस पर में बैठा हूँ, मैं छोटे इस पर बैठा हूँ कि छोटा आदमी हूँ, मैं छोटे पर बैठा हूँ, मतलब कोई भी आ बैठी है। मैं देख रहा था वहाँ उसके एक बच्चे ने या वो मेरे जितने भी हो गोबर कर दिया था। मैं बस ऑब्जर्विंग क्या करता है, वो बैठने के लिए गया, पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, एक और अनुभव आपको सुनाऊं।
कभी वो हमारे पति आ जाएंगे कुछ दिन के लिए बैठेंगे, मैं तब तक के चलका लगा के गरम गरम चबा के बना देंगे। तो मेरे यहाँ मैं बच्चे से खेलता हूँ और मैं बच्चे से खेलने लग गया और जिस आठ महीने का बच्चा उसको क्या बोलना है, कुछ ना कुछ आवाज नहीं कर रहे। मेरे कहा अम्मा ये क्या कह रहा है? मेरे स्वामी जी ये कह रहा है कि आए थे मम्मी। थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी आ गए। जैसे पिताजी आ गए उन्होंने अपने पैर पे रख लिए, जूते निकाले, हाथ पैर धो लिए और सीधे बच्चे के पास आए। बच्चे को उठाया, अब बच्चे को मालूम भी नहीं कौन सी आवाज निकल रही है, दूसरी आवाज निकली हुई। तो मैंने कहा भाई ये क्या कह रहा है? मैं समझिए टॉप पास करता है, कुछ पता नहीं क्या कहता है। कर लो अम्मा, अब इसने क्या कहा? बोले इसने कहा कि आई डोंट लाइक पापा। अपने बच्चों के प्रति कितनी आसक्ति, कितना प्रेम। ये प्रेम नहीं होता सबको, ये आसक्ति होती है। बच्चा जब छोटा होता है ना तभी तक शुद्ध प्रेम होता है। जैसे बच्चा बढ़ने लग जाता है तो ये प्रेम आसक्ति में बदल जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है और उसी लड़के को कहेंगे कि बेटा शादी कर, शादी कर, और शादी करने के बाद फिर वो बहू के साथ फिर वही धूम धड़ाका शुरू हो जाता है। देखो महाराज, इसलिए ये कपूर कपूर भी बस अपने संसार में ऐसे मग्न हो गए कि मानो उनके जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो कहते हैं स्नेहानुबद्ध हृदय अन्योन्य विष्णु माया विमोहतम दीन अनियो शिशु कुछ रूप रहा। यही भगवान की माया कार्य कर रही है कि बस उनके जीवन में एक ही है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को वो सब कुछ करो, लेकिन अपने जीवन का एक क्षण कम से कम प्रभु के चरणों में लगाना पड़ता है। 24 घंटे वही बच्चे वही पोती कब तक के। देखो एक बार हमारे जो कन्या है अमेरिका में, उसको पहले लड़की होगी, आप उसे मिलना वाले थे जो इसलिए सभी चलते थे। उसके बाद बताया वो आ गई हमारे पास रहने के लिए 4-6 दिन। तो मैं कुछ काम कर रहा था तो जब मेरे भूल सब बंद निकल गए, हम बीच में अड़ंगा डाले तो हम भूल जाते हैं इसका क्या लेवल है, इसको क्या करना है। हमने कहा 10 मिनट रुको, मुझे पूरा कर लिया, मैंने पूरा कर लिया। फिर वो कहती है स्वामी जी आप देखेंगे मेरे अम्मी कितनी प्यारी है। हमने कहा देखो तुम्हारी नानी जो थी ना उसने तुम्हारे माँ के बारे में यही कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में भी यही कहा, तुम यही बात अपने कन्या के बारे में कह रहे और ये कन्या उसको बोले गए तो वही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ऐसे उससे मग्न हो जाते हैं कि मानो दुनिया में कुछ है कि नहीं। देखो ये सब करो महाराज, लेकिन भूल ना मत अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और होता है। नहीं तो इसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं और फिर ये जो प्रेम है ये धीरे धीरे बढ़ करके आसक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुना, बच्चों के कारण यदि हमारे जीवन में दुख का निर्माण होता है तो वो आसक्ति है, शुद्ध प्रेम से दुख का निर्माण नहीं होता। देखो कोचिंग की बात है, एक गुजराती फैमिली और उनके आ रहे थे। उस अम्मा ने मुझे पूछा स्वामी जी मेरा लड़का बारहवीं में पढ़ रहा है, सुबह मैं उसको 4 बजे कॉफी बना के देती हूँ, 4 बजे और आप भी सुबह उठते हैं तो मैं आपको भी कॉफी देती हूँ, आपको उठाना नहीं पड़ रहा। मुझे बताओ मैं आपको जो कॉफी दे रही हूँ और उस बच्चे को जो कॉफी दे रही हूँ दोनों को प्रेम के कारण ही तो कर रही हूँ, तो दोनों का प्रेम ही जैसा है क्या? हमने कहा देखो विचार करो, यदि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे कहने की बात मानी नहीं तो तुमको दुख होगा क्या? बोला ऑफकोर्स उसके लिए मैं इतना कर रही हूं। हमने कहा जिस प्रेम का
परिणाम दुख में होता है, वो प्रेम नहीं होता, वो आसक्ति होती है। प्रेम का परिणाम कभी भी दुख में नहीं होता। जो कहते हैं ना कि भगवान से प्रेम करो तो भगवान दुख देते हैं, सवाल ही नहीं। जो भगवान से प्रेम करता है उसको दुख का अनुभव नहीं आता, क्योंकि वो तो कन्हैया में फंसा हुआ है ना, कहां दुख का अनुभव आया। तो ये कपोल कपोती के जैसे व्यक्ति उसी में फंसा जाता है। विष्णु माया जीवो मतलब दीन धियो, और उनकी बुद्धि दीन ही हो जाती है, बस जो कुछ है यही सब कुछ है। एकदा जगुदासा अनाथम को कुटुंबिन सबको खिलाना पिलाना है, तो दोनों को अब नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि एक के तरीके से काम करता है, दोनों को नौकरी करनी है। फिर जाकर के बच्चों को रख दिया, हर एक के हाथ में चाबी दे दी और दोनों चले गए चारा चुगने के लिए। जब चारा चुगने के लिए गए, उधर से बहने आया, बहने ने देखा आहा बढ़िया कैच है, और उसके जाल जाल डाल करके सभी चूजों को पकड़ लिया। और उधर से जब कबूतर ने आई तो बड़ी दुखी हुई, मेरे सभी बच्चों को ले जा रहा है ये राक्षस, हे भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मैं तो उसकी सेवा रह नहीं सकती, इनको क्या पता है क्या होने वाला है। रो रो करके वो भी उस जाल में कूद पड़ी, जान रही थी कि वो मरने वाले हैं, लेकिन ये भी आसक्ति के कारण ये भी जा करके वहाँ उसमें कूद पड़ी और बहुत जोर जोर से रोने लग गई, दुखी हो गए। सासक स्नेह मिलता दीन चित्ता जमाया स्वयं भावत शिका बद्धा प्रशंसि। उसको बात कुछ भी समझ में नहीं आया, बच्चों को रात में प्रसाद लिख करके वो भी अपने चरित्र की सुध नहीं रख सकी और जाके याद में फंस गए। ऐसा हुआ तो कपोत महाराज का क्या हुआ, कपोत शात्मजान बद्धान आत्मनुक्त निकान किया भार्याम चार प्रसपाम दीनो वी लाला और अतुल खिला। अभी जो कबूतर था उसने देखा कि मेरे सभी बच्चे जो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे हैं और मेरी पत्नी जो मेरे ही जैसे है, अब ये दोनों भी चले गए, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, अब मैं जीके क्या करूँगा, अब इनके साथ मैं भी चला जाऊँ तो अच्छा रहेगा। देखो मुझे जीवन कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और सबसे दुख की बात कहते हैं कि बहुत ही प्रशस्ता मामला है, अल्पो पंडित से जन्मते हैं अदुखस्य अपदादस्य गृहस्त्री वर्गो अतः। कहते हैं कि देखो मैं इतना आभागा हूँ, दुर्भगी हूँ, मेरा तो सत्यानाश हो गया है, अभी तो मुझे अपने गृहस्थ जीवन की तृप्ति तक नहीं मिली। देखो महाराज, गृहस्थ जीवन से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, ये बाबू में कैसा है। एक बार हम जा रहे थे पिलानी, दिल्ली से पिलानी या तो गो थ्रू हरियाणा, तो कहीं एक जगह में ऐसी छोटा सा झोपड़ी के जैसा दुकान था, हम चाय के लिए रुके, उन्होंने चाय बनाई। हमने जब चाय की हमने कहा कि महात्मा जी चाय में मजा नहीं आया, तो दुकानदार ने क्या कहा, बहुत बड़ा ज्ञान दिया मुझे। उसने कहा बाबा जी मजा आता नहीं, मजा देना पड़ता है। कितनी बढ़िया बात है देखो। लेकिन हम लोग इस संसार में ऐसे बस जा रहे हैं कि इसमें से निकलना पड़ता है, अपने आप नहीं निकलोगे। देखो ऋषि कितने बस जाते
है कि जीवन में दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थाश्रम की बात कही गई है। ठीक है, आपने जवान में पढ़ाई लिखाई करी, गृहस्थ धर्म के लिए तैयार हो गए, बहुत बढ़िया बात है, गृहस्थी निभाई बहुत बढ़िया बात है। अब वन में प्रस्थान करने की तैयारी करें, हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना। देखो इसका तात्पर्य ये नहीं कि बाबा जी उनके जंगल में चले जाओ, मत जाना, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। केवल यही देखना है कि हम कहीं पसंद तो नहीं है। देखो भगवान की जब कृपा होती है ना, तो उस कृपा का अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझ में आता है। कोई बीमार हो, उसके लिए भगवान की कृपा दवाई और डॉक्टर ठीक मिल गए। कोई किसी की शादी नहीं हो रही हो, भगवान की कृपा शादी हो गई। किसी का डायवोर्स नहीं हो रहा हो, भगवान की कृपा डायवोर्स हो गई। और असली भगवान की कृपा क्या है? हृदय में दुनिया के प्रति वैराग्य का प्रकट होना, ये भगवान की अंतिम कृपा है। और ये कब आ सकती है? दो बातों से, एक तो ईश्वरानुग्रह ईश्वर के अनुग्रह से, और दूसरी ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है तो उसी के हृदय में यह वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है। वैराग्य का तात्पर्य लाल कपड़े पहनकर के बाबा जी बन करके हाथी को घुमाना नहीं, वो वैराग्य नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। वैराग्य का तात्पर्य है वस्तु का होना न होना, दोनों के प्रति समर्थ की बुद्धि बनी रहे। देखो संतो, जिसके हृदय में वैराग्य है उसके जीवन में जगत की कोई भी घटना मन के संतुलन को नहीं बिगाड़ सकती। भगवद गीता का यही फाउंडेशन है। यदि आपको समझना हो भगवद गीता में क्या बताया, केवल दो शब्द समझ लो। पहला जो रोग भगवद गीता में बताया है, उस रोग का नाम है ममता। आगे कोई टाइटल मत लगाना, और इस ममता के रोग से अपने आप को बचाना है तो उसकी जो दवाई है उसका नाम है समता। समत्व योगो उच्यते। और ये समत्व का इतना महत्व है, लेकिन जो कि हम इसको पहचानते नहीं, हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। देखो एक कहानी आती है, जब उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृत होकर के गिरा, तो उत्तरा जी भगवान कृष्ण के पास लौके आई, लौके आई कहते हैं कि हे भगवान, इस बालक को जिंदा करो, अन्यथा हमारा कुल समाप्त हो गया। पुत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मेरे मन में सबके प्रति समत्व होगा तो उस समत्व के शक्ति को लेकर के यह बालक जिंदा होगा, और वो जिंदा होता है। ध्यान रखना, मन के समत्व को साधारण शक्ति मत समझ लेना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। दुखे जो अनुचित मना, सुखे जो विगत सुना, वीतरा वय क्रोधा स्थित ही मुनि उच्चते। जीवन मुक्त पुरुष के जीवन का यही सौंदर्य है, इनके मन का संतुलन कभी बिगड़ता है। और ये कब होगा? जब हम अपने अनुभूतियों से सीखेंगे। जैसे ये कपोत की कहानी में बता रहे हैं कि यह इतना दीन हो गया था कपोत, यह कबूतर अनुरूपान उदान जैसे ने पति देवता शून्य पुत्र ईश्वर स्वर्गा सोहम शून्य गृह दीनों मृत दाम मृत मेरे लिए मेरी पत्नी मेरे बच्चे यही सब कुछ संसार था,
इसके परे कुछ था ही नहीं, अब वो भी सब मर रहे हैं, अब इस घर में कोई नहीं, मैं अकेला रहूंगा, जिसकी पत्नी मरी है और जिसके बच्चे मर गए हैं, तो फिर मैं किसकी जीवन। और विधुर व्यक्ति का जीवन सबसे दुखी होता है। अब तो मुझे ऐसा ही ठीक लगता है कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं और अपनी कहानी खत्म करूं। इतना आसक्त होकर के वो तांतरेवा उपचित मृत्यु ग्रस्ता विशेषतः स्वयं कृपण शिशु पश्यन अभी अमूर्त तम लंबा शत्रुग्र कहो गृहवेदन कहो तो जब उस कबूत ने ही उस जाल में अपने आप को झोंक दिया तो वो जो वहाँ निशान था बड़ा खुश हो गया, अब बढ़िया क्या सुना है और लेके चल गया है। एवं इसी प्रकार से कुटुंब शांतात्मा द्वंद्व राम पति प्रवत कुष्ठ कुटुंब कृपण साधु बंधो व सीत यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वार अपारुगम गृहेशु भगवत सत्तम आरुढ़ प्रकार से हमको ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसका एकमात्र प्रयोजन है कि हम इसी जन्म में परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट हो लेंगे। एकमात्र जीवन का प्रयोजन आहार निद्रा भय मैथुन चार खाना सोना अपने आप को बचा के रखना और बच्चे पैदा करना, ये तो सभी प्राणी मात्रों के सामान्य है। केवल हमने यही किया तो हमारे भविष्य होने का कोई तात्पर्य ही नहीं। तो भगवान क्या कहेंगे, देखो बेटा यहाँ तो तुम अपनी गलती को सुधारो नहीं तो मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ। तो भगवान अपनी गलती को सुधारेंगे और अपने जन्म में कहेंगे भैया अगले जन्म तो जाकर के सुवर बन जा, खूब खाना और बच्चे पैदा कर। इसीलिए इस जगत में रहे सबके साथ लेकिन अपना ध्यान प्रभु का पड़े तब जाकर के जीवन का आनंद तो होता है। पहले जमाने में राजस्थान में पानी की कमी होती थी तो ये जवान लड़कियां पानी लाने जाती थी कुएं पर, रोजा जगह पानी लाती थी एक के ऊपर में तीन चार बर्तन रखे हुए हैं, हंसेगी खेलेगी बात करेगी मजाक करेगी एक दूसरे को चिढ़ाएगी गाना गाएगी, लेकिन सब करते समय ऊपर का बैलेंस कभी नहीं टूटता। इसी प्रकार से इस जगत में हमको सबको रहना है, यहाँ की जितनी समस्या है उनमें रहना है, लेकिन अपना जो बैलेंस है प्रभु के प्रति उसको कभी नहीं। यह बात हमने इस कबूतर के